वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। महाराष्ट्र के कृष्ण भक्तों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर को सुनने के बाद जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाने वाले कृष्ण भक्त खुशी से झूम उठेंगे और इस खबर को सुनने के बाद कट्टरपंथियों के पेट में मरोड़े जरूर पड़ने लगेंगी। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दहीहंडी के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। शिंदे ने शुक्रवार को कहा है कि दहीहंडी, जो महाराष्ट्र का एक बहुत लोकप्रिय त्यौहार है, उसको पूरे राज्य में खुले तौर पर छुट्टी घोषित दिया जाएगा। शिंदे ने आगे कहा कि अब तक राज्य के मात्र कुछ जिलों में ही उस जिले के कलेक्टर अपने जिले में दहीहंडी के लिए कुछ खुले तौर पर छुट्टी नोटिस करते थे, लेकिन यह अवकाश सभी राज्यों में होगा। इसके लिए वो मुख्य सचिव से भी बात करेंगे और दहीहंडी के दिन पूरे राज्य में अवकाश का नोटिस जारी करने की भी बात कही गई है। आपको बता दें, दहीहंडी इससे पहले खुले तौर पर, मतलब छुट्टी की अगर बात करें, तो इसमें हर जगह नहीं दिया जाता था। शिंदे ने यह भी कहा है कि राज्य में दहीहंडी उत्सव बहुत ही लोकप्रिय है और कोविड-19 प्रतिबंधित समाप्त होने के साथ इस साल ये त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। बता दें कि विधायक प्रताप सरनाईक ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने शिंदे को एक पत्र सौंपा था, जिसमें उन्होंने दहीहंडी के दिन खुले तौर पर छुट्टी की मांग की थी। उनकी इस मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया है। दहीहंडी हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक बहुत ही अनोखा और मजेदार त्यौहार है, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करता है। अब इस ऐलान के बाद कट्टरपंथियों के पेट में दर्द शुरू हो गया है और वो बवाल करने की जरूर सोच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़।